क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजते हैं? क्या इसलिए वो तुमको फोन करती है? क्या इसलिए मैं आपको वहाँ भेजता हूँ? गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। अच्छा, आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है क्या इसलिए। क्या इसलिए को इंग्लिश में लिखते हैं इज दिस वाय, इज दिस वाय। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा इज दिस वाय, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करनी है वर्ब की फास्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड्स, और अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या इसलिए वो तुमको फोन करती है? इज दिस वाय सी कॉल्स यू, इज दिस वाय सी कॉल्स यू। क्या इसलिए आप नेता बनना चाहते हैं? इज दिस वाय यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, इज दिस वाय यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर। क्या इसलिए मैं आपको वहां भेजता हूँ? Is this why I send you there? Is this why I send you there? क्या इसलिए पापा तुम्हें जेब खर्च देते हैं? Is this why dad gives you pocket money? Is this why dad gives you pocket money? क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ भेजते हैं? Is this why you send him with me? Is this why you send him with me? क्या इसलिए तुम यहाँ नहीं आते? Is this why you don't come here? Is this why you don't come here? क्या इसलिए तुम यहाँ रहते हो? Is this why you live here? Is this why you live here? Or you can say, Is this why you stay here? Is this why you stay here?